Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. और ओपन करते हैं, ये रहा प्ले स्टोर। ये जो सर्च बार है, सर्च बार में हम सर्च करेंगे क्नोवा। जैसे हमने क्नोवा सर्च किया, ये इस तरह के सामने हमारा आ गया पेज। यहाँ लिखा ओपन, यहाँ ओपन है, यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसलिए क्योंकि हमने पहले से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करके रखा है। जब आप क्नोवा ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट नहीं बना पाते तो मुझे कमेंट करना है, इसीलिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो क्नोवा ऐप्स को हम जैसे ओपन करते हैं, ये रहा ओपन। अब क्नोवा ऐप्स को जैसे हमने ये ओपन किया, इस तरह के सामने आएगा। हमने जो प्लस का आइकन दिख रहा है, ये इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस प्लस आइकन पर क्लिक किया, कुछ हम बना सकते हैं इससे। हम बात यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं, इसके लिए जो प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर कस्टम डायमेंशन, इस पर हम क्लिक किए। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ विड्थ हटा दिया है, ठीक है। यहाँ जो विड्थ है, इसमें हम लिख देंगे 1280। और जो ये हाइट दिया है, हाइट इसमें हम लिख देंगे 720, क्योंकि जो यूट्यूब का थंबनेल होता है, इसका साइज़ इतना होता है। लिखने के बाद हम नीचे आते हैं, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर यहाँ टेम्पलेट है, अपलोड फ़ोटो है, फ़ोटो है, एलिमेंट है, टेक्स्ट है, म्यूजिक है, वीडियो है, गैलरी है, बैकग्राउंड है। यहाँ से कोई भी मनपसंद का कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। हम बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड पर क्लिक किया, यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट ओपन होंगे सामने। इसमें से कोई भी हम एक टेम्पलेट चॉइस कर लेते हैं। हम ये वाला टेम्पलेट लेते हैं। जैसे हमने क्लिक कर दिया, हमने टेम्पलेट क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करने के लिए यहाँ जो प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ टेम्पलेट, अपलोड फ़ोटो है, एलिमेंट है, टेक्स्ट है, म्यूजिक है, बैकग्राउंड, गैलरी, वीडियो है, काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। हम टेक्स्ट आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन ये जो लिखा है एड एंड हेडलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लिखना चाहते हैं। जैसे हमने लिख दिया यूट्यूब के लिए इसको मूव करने के लिए इस पर जो ये आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया इस पर, अब इसको मूव कर दिए। यहाँ पे अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ नीचे आते इस आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ कलर का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ बहुत सारे कलर दिया है, कोई भी कलर हम चॉइस कर सकते हैं। हम रेड ले लेते हैं, ये रहा रेड, ये रेड हो गया। अब इसके हम फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं। ये जो लिखा है 50, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम इसकी फॉन्ट साइज बड़ा घटा सकते हैं। ये रहा, इतना बड़ा ठीक है, हो गया। अब इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, इस पर पीप ऑप्शन क्लिक करें। इसको अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये हो गया। अगर से इटैलिक करना चाहते हैं, ये हो गया, इटैलिक हो गया। ये अगर कोई हम इस पर इफेक्ट डालना चाहते हैं, ये इफेक्ट हो गया, इस तरह का कुछ, इस तरह का, या फिर कुछ इस तरह का, इस तरह का, ये इस तरह हो गया। अगर इसका हम पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, टॉप, मिडिल में, बॉटम में, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप पे इसका पोजीशन सेट कर दें। ये हो गया। अब यहाँ फिर दूसरा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे प्लस आइकन पे हमने क्लिक किया, यहाँ फिर टेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ लिखा एड एंड हेडलाइन, इस पर क्लिक करते हैं। अब हम टेक्स्ट पे कुछ भी टाइप कर सकें। थंबनेल सॉरी थंबनेल कैसे इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं। ये रहा, इसका हम कलर चेंज करते हैं। नीचे आते हैं, ये कलर का आइकन पे क्लिक करते हैं। ये रहा, इसको हम येलो कर देते हैं या ग्रीन। ये कलर हो गया। अब इसको हम और बड़ा करते हैं। ये रहा 50 PT लिखा है इस पर, जिसको इसको हम ऐसे बड़ा करते हैं। ये हो गया बड़ा। अब ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा लिखते हैं, टाइप दूसरा कुछ लिखते हैं। इसे प्लस आइकन में क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पर ऑप्शन पे जाते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम इसको हम बड़ा करते हैं। हो गया बड़ा। ये इस पे इफेक्ट डालते हैं। ये हो गया। इसकी कलर हम चेंज करते हैं। अंडरलाइन हो गया। अब इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं। ये हो गया। इसको भी हम थोड़ा नीचे करते हैं, इसको भी थोड़ा हम नीचे करते हैं। ये रहा पोजीशन, ये रहा हो गया। अब यहाँ हम YouTube का लोगो लगाते हैं। इस प्लस आइकन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा है फ़ोटो, सॉरी यहाँ गैलरी। हम गैलरी में आते हैं। जैसे हमने गैलरी ओपन किया, ये गैलरी हमारा ओपन हो गया। ये रहा यूट्यूब का लोगो, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये हो गया क्लिक। ये हमारा आ गया यूट्यूब का लोगो। अब इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं। ये हो गया। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पे जो YouTube लिखा है, इसको हम काट दे रहे हैं। अब इसको यहाँ कर दे रहे हैं। अब इसकी हाइट, इसको हम और बड़ा कर देते हैं। ताकि एक आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। ये बड़ा साइज हो गया। ये थंबनेल हो गया। अब यहाँ पर हम कोई इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पे इमेज लगाने के लिए हम यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ गैलरी ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे कोई हम अट्रैक्टिव जब इमेज लगा देते हैं, इसके लिए हम प्लस आइकन पे आते हैं। हमने जब प्लस आइकन पे क्लिक किया, यहाँ लिखा है गैलरी, गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, ये ओपन होगा। और गैलरी से कोई में एक अट्रैक्टिव इमेज ले लेते हैं। इमेज, ये रहा इमेज। इस इमेज पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया ये इमेज आ गया यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ साइड कॉर्नर पे लगा देते हैं, इस इमेज को यहाँ पे लगा देते हैं। वो तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा थंबनेल यूट्यूब के लिए थंबनेल बन गया। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ जो आइकन दिख रहा है डाउनलोड, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया ये डाउनलोड हो गया, ये हो रहा है। ये हो गया।